राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने भेजा। हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने में सूतक लगता है जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। There's fresh trouble for Pragya Thakur after the election officer in Bhopal issued a notice to the BJP candidate and sought an explanation over her remarks that she had supported the demolition of the Babri Masjid in 1992. Speaking to a news channel, the BJP Bhopal candidate said she has no regrets over the demolition of the Babri Masjid. In fact, she's proud of it. मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल ही पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मबल आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साध्वी जी, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में गाय को लेकर राजनीति खूब हो रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया है, उसके बाद अब लोग काफी परेशान हैं, कुछ तो सपोर्ट करते हैं, बाकियों को समझ ही में नहीं आ रहा कि गाय के साथ क्या करना है, तो ऐसी खुले में छोड़ देते हैं गाय को, अब यहाँ तक कि जेल में बंद करनी पड़ रही है गाय, तो अब ये कोई सलूशन तो नहीं हुआ। हाँ, ये कैसा समाधान है? ये कष्टकारी होता है, गौ धन जो है वो अमृत है। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है, आपको मालूम है। गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं 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 नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा, लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है तपस्या होती है, गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधियाँ, पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे पांच चीजों को मिला करके हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है साधु, ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसका भी।